हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल आशा के का स्वागत है। आज हम सीखने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि। किसी भी दो चर को प्रतिस्थापन विधि से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए शुरू करते हैं कैसे बनते। पहले समझते हैं प्रतिस्थापन विधि कहते कुछ। तो किसी भी एक संकीर्ण में से एक चर का मान निकाल कर दूसरे संकीर्ण में रख देने पर उसका मान निकल जाएगा, और जब एक चर का मान निकल जाएगा तो आप किसी भी जो मान निकला चर का वो किसी भी एक चर में मान रख के आप दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए समझते पहले, इसको मान लेते हैं समीकरण वन और इसको मान लेते हैं समीकरण दो। तो क्या करना है आपको, एक चर का मान किसी भी दूसरे चर में, तो मान लेते पहले से, तो पहले समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर नौ। अब इससे एक चर का मान निकालते हैं, तो इससे एक्स का मान निकालते हैं, नौ प्लस वाई, ये क्या आ गया, एक्स का मान आ गया। क्या करना है, जो एक्स का मान है समीकरण दो में रखते, क्या करते हैं, एक्स का मान समीकरण दो में रखते। समीकरण दो क्या है, एक्स प्लस टू वाई बराबर बारह। अब एक्स का मान क्या है, नाइन प्लस वाई, तो नाइन प्लस वाई प्लस क्या होगा, टू वाई बराबर बारह। देखिए वाई बाई क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो वन वाई है और टू वाई, तो थ्री वाई बराबर, ये जो संख्या है उसको उस साइड भेजे, तो बारह प्लस नौ है तो इधर जाए तो माइनस नौ, तो थ्री बाई बराबर आ गया हमारा कितना, बारह में से नौ हो गया तीन, तो बाई का मान आ गया तीन से तीन कैंसिल, यानी बाई का मान हमारा कितना आ गया एक। ये जो बाई का मान है अब क्या करेंगे, किसी भी दो चर दो संकीर्ण में से एक संकीर्ण में रख देने से अब क्या गया, बाई का मान एक आ गया। क्या करते, बाई का मान संकीर्ण दो में रखते, समीकरण दो क्या है, एक्स प्लस टू वाई बराबर बारह, एक्स प्लस टू और वाई का मान वन, तो गुने वन बराबर बारह आ गया, तो एक्स प्लस टू गुने वन टू बराबर बारह, एक्स का मान तो बारह और दो पट्टी जाएगा माइनस दो, तो एक्स का मान आ गया दस। अब एक्स का मान आ गया हमारा कितना दस, और वाई का मान आ गया हमारा तेरह। ओके, आशा करते हो समझ में आया होगा। अब इसी तरीका से आप एक्स प्लस वाई बराबर बारह और एक्स माइनस टू वाई बराबर आठ का आंसर हमें आप कमेंट में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब।